फ्रेंड्स, जब भी आप कोई घना पॉकेट फॉरेस्ट लगाते हैं, मैं पॉकेट फॉरेस्ट उसको बोलता हूँ जहाँ पे आप 1,000, 2,000, 3,000 प्लांट्स इकट्ठे लगाते हैं, उसको हम पॉकेट फॉरेस्ट बोलते हैं। तो जो पॉकेट फॉरेस्ट आप कहीं भी लगाते हैं, मेक वन थिंग, एक आप प्लीज़ उसको कंपल्सरी है, उसको थंब रूल रखिए, उसको एक मंत्र समझिए। कभी कभी यहाँ आके भी लोग पूछते हैं कि आपने ये हिबिस्कस, पीली कनेर और फिर बोगनविला, मधुमालती, इस तरह के आपने क्यों लगाए हैं, है ना? ये तो पेड़ों की जगह है, तो पेड़ों में तो केवल विशाल पेड़ होने चाहिए, आपने इतने सारे फ्लावर्स क्यों लगाए हैं? दोस्तों, फ्लावर्स लगाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इससे बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं। ये भी जंगल की रौनक होते हैं, है ना? हमने कई प्रकार के लगाए हैं, हमने यहाँ मैरीगोल्ड लगाया है, मैरीगोल्ड की भी 3-4 स्पीसीज लगाई हैं, और बहुत सारे फूल हैं। मैं सबके नाम गिनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आई वॉन्ट टू कीप इट शॉर्ट। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आप प्लांटेशन करें, वहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स ज़रूर लगाएं, ठीक है? फ्लावरिंग ट्रीज ज़रूर लगाएं, जैसे कि अमलतास, जाकरंदा। जाकरंदा को हम लोग नीली गुलमोहर भी बोलते हैं, उसके नीले नीले फूल आते हैं, है ना? तो इस तरह के पेड़ अवश्य लगाएं। एक मिक्स एंड मैच कीजिए, बायोडाइवर्सिटी तभी इस्टेब्लिश होती है, है ना? एक तरह के पौधे नहीं लगाने चाहिए। आप सोचें कि सिर्फ टिम्बर ट्रीज लगा दें, ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ बटरफ्लाइज नहीं आएंगी, बीज नहीं आएंगी, तो उस जगह की रौनक नहीं होगी, है ना? बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं, और उससे सुंदर भी लगेगी आपकी साइट, और आपको रंग बिरंगी भी लगेगी, कलरफुल भी लगेगी, लोग भी जो आएंगे तो उनको मज़ा आएगा वहाँ पर बैठ के, है ना? एंड दे कैन सी बटरफ्लाइज फ्लाइंग। अगर आप सुबह इस साइट पर आएंगे तो बहुत सारी बटरफ्लाइज आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ओके, सो फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग ट्रीज ज़रूर लगाएं।